तो अगर मुसलमान बीजेपी का विरोध करते तो जाहिल है कि अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामलला की मूर्ति की का जो स्थापना हुआ है वह निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। ओवैसी जैसे व्यक्ति कहने से कुछ नहीं होता है। ओवैसी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के सिवा छोड़ के उनके बाद दूसरा कोई काम नहीं। ओवैसी जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक देश के मुसलमान को बहकाया जाएगा। नहीं नहीं राजनीति में सक्रिय नहीं हूं, लेकिन 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी ही आएंगे ये तय है। नमस्कार, आज हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर हैं। गुरु रहमान सर के सारे के बारे में आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं ये, और लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब की बात करें तो 2 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर हैं। तो सर, शिक्षा व्यवस्था पर सबसे पहले आपसे बात की जाए। ये जो टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम बीपीएससी लेवल पर कराया जा रहा है, क्या लगे? देखिए, नियोजित शिक्षक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन किसी भी तरह का हिंसक आंदोलन गलत है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, रोड पर प्रदर्शन नहीं हो, लेकिन उनकी मांग थी आज उनके आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो या स्टेट अपेयरिंग वाले की बात हो या नियोजित शिक्षक की बात हो, उसी मुद्दा को लेकर माँ सरस्वती पूजन के दिन मैं माननीय सम्राट चौधरी से, माननीय सुशील मोदी से, माननीय मंगल पांडे से, माननीय भिखुभाई से, माननीय विजय सिन्हा सबसे मिला। सबने आश्वासन दिया है कि इन बच्चों की समस्या का निराकरण होगा। सम्राट चौधरी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? टीयर 2 टीयर 3 वाले भी जो छात्र है वो भी प्रदर्शन? हाँ, तो बोले प्रदर्शन सारे लोगों की समस्या का निराकरण होगा, गहराई से हम बात करेंगे। अच्छा, और किसी तरीके की बात हुई? नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग इस दिशा में पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, और पहले भी हम लोगों ने आवाज उठाया था जब हम विपक्ष में थे, अब पक्ष में आए तो निश्चित रूप से इस पर बात होगी। क्योंकि आप एक शिक्षा के, इसलिए बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत खस्ता हालत है, इसका इस पर कोई किसी तरीके की बात हुई, इसको कैसे सुधारा जाए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल थी, लेकिन धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, और उम्मीद कीजिए, उम्मीद पर दुनिया काम है कि निश्चित रूप से पटरी पर आ जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी इसका? नहीं, स्वास्थ्य में तो बहुत तेजी सुधार हो, पीएमसीएच देखिए तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, और निश्चित रूप से अब सरकार बदली है तो इस परिस्थिति में मुझे लग रहा है और जो देखने को मिल रहा है कि अब सुधार होगा और निश्चित रूप से सुधार होने जा रहा है। आप जिस समुदाय से आते हैं, मुसलमान समुदाय, तो क्या लग रहा है मुसलमान समुदाय बीजेपी के विरोध में क्यों रहता है? अरे भैया, मुसलमान समुदाय बीजेपी में विरोध में रहे, पागल है जो जाहिल है वो विरोध रहे, क्या करेगा? मैं तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या के रामलला का जो प्रतिष्ठा, ये आपको उनकी स्थापना हो रही थी, मूर्ति स्थापित हो रही थी, तो मैं अकेला मुसलमान था पूरे विश्व का जहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था। तो अगर मुसलमान बीजेपी का विरोध करते तो वो जाहिल हैं, मुद्दा पर बात होनी चाहिए। ओवैसी जैसे, जिन्ना के अवतार जैसे व्यक्ति की बात में बहकर हम अपने देश के में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है, गंगा जमुना की तहजीब है, उसको बनाए रखने के मार्ग में अगर विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, चाहे कोई हो। ओवैसी लगातार बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाया गया राम मंदिर। ओवैसी से ये पूछना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के पहले वहाँ क्या था? अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, वहाँ किसी भी मुस्लिम के सूफी संत या पैगंबर कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर अगर पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर के मंदिर को तोड़ा जाना उचित था तो निश्चित रूप से बिल्कुल बचकाना बात कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे आदमी होकर बचकाना बात कर रहे हैं। ओवैसी को मैं जिन्ना का अवतार मानता हूँ, और इतना मैं बता दूँ कि अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामलला की मूर्ति की का जो स्थापना हुआ है वह निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है, और इस्लाम भी यही कहता है, सब यही कहते हैं। ओवैसी जैसे व्यक्ति कहने से कुछ नहीं होता है। ओवैसी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के सिवा छोड़ के उनके बाद दूसरा कोई काम नहीं। देश के मुसलमानों को क्या बहकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, ओवैसी जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक देश के मुसलमान को बहकाया जाएगा। मैं कहता हूँ कि भारत में चाहिए कि मुसलमानों के कुछ अच्छे लीडर हों जो ओवैसी जैसे ना हो, कम से कम जो भारत की सोचते हों, राष्ट्र की सोचते हों। कुरान भी कहता है कि पहले राष्ट्र है तब धर्म है, ओवैसी के बाद में बहकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओवैसी हिंदू मुस्लिम को, कई नेता है ना जो मुसलमानों को, जितने भी नेता हो ओवैसी, चाहे वो मदनी हो, जो भी हो, जो देश के विरुद्ध सोचेगा वो देश का नहीं हो सकता है। आपको क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, बीजेपी की रणनीति किस तरीके की? आप राजनीति में भी सक्रिय, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछूं। नहीं नहीं राजनीति में सक्रिय नहीं हूं, लेकिन 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी ही आएंगे ये तय है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुरु रहमान सर, जो कि बताया कि ओवैसी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान को बहकाने की बात कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से खबरें दे रहे हैं, इसलिए हम आप आगे भी आपको ग्राउंड जीरो से ही खबर देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको भी हम लगातार कवर कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं उनकी राय कि आखिर रुझान इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है, किसके प्रति रुझान जा रहा है। द न्यूज़ 15 को आप सब्सक्राइब करिए आगे की अपडेट के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं राघव, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।